हेलो गाइस, मैं हूं मयंक। और यार, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 100 के अब दूर नहीं है। पता नहीं कब से यार मैं 90s में फंसा हुआ हूं सचिन तेंदुलकर जैसे। तो यार, सहवाग जैसे सिक्स मार के 100 के पार करवा दो, ठीक है? तो रेड वाला बटन अभी भी दिख रहा है तो क्लिक करो, व्हाइट कर दो और बेल आइकन भी लगे हाथ, दवाई लेना भाई। दोस्तों, सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ डक्की भाई के एक वीडियो पे जिसका टाइटल है क्लिक दिस वीडियो टू लीव दिस प्लैनेट विद मी राइट नाउ। डक्की भाई की ये वीडियो, चलिए इस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन यार, रिएक्शन देने से पहले मैं इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है एंड वी वॉकड अवे। इसे लिखा है सुब्रत सौरभ ने, ये रहे। और अच्छी बात यह है कि ये मेरे शहर से बिलोंग करते हैं। और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये बुक पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और बहुत ही प्यारी बुक है। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अब की बार किसे रोस्ट कर रहे हैं डक्की भाई। हेयर वी आर। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तुम लोगों को मेरी आवाज से तो पता चल ही गया होगा कि भाई मैं थोड़ा बीमार हूं। मतलब जब भी मैं कुछ ऊंचा बोलता हूं ना तो आवाज फट जाती, जैसे ओह माय गॉड। और जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई है ना साला, एक तो सोने का टाइम नहीं मिलता, ऊपर से यूनिवर्सिटी और स्कूल वाले होमवर्क ऐसे पकड़ाते हैं जैसे अगर एक हफ्ता नहीं देंगे तो नौकरी चले जाएगी इनकी। अभी गर्मी से हालत खराब हो जाती है, बंदा काला स्याह होकर घर जा रहा होता है ये सोच के। अब घर जाके चुप करके पंखे के नीचे ठंडे फर्श पर सोएंगे। बस फिर बंदा जैसे ही घर पहुंचता है ना, याद आता है तुम्हारे कोडिंग वाले सर ने 2 असाइनमेंट पिछवाड़े में देकर घर भेजे। पता नहीं ये क्यों लगता है कि भाई आवाम को पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, बिल्ला मजा की जिंदगी फाड़ कर रखी है। खैर, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये सही वाला भाई ने असाइनमेंट बनाते हैं। भाई अपने अपने मास्क पहन लो मुंह पे, घर में किसी बंदे को अपने साथ बैठा लो क्योंकि हो सकता है आपको रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत पड़े। अच्छा, मुझे पता है अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए वीडियो को, लेकिन कमरे के अंदर कौन ग्लासेस पहनता है? ऊपर से जितना बड़ा ये चश्मा है ना, उतनी बड़ी तो भूति भी नहीं होनी तेरी। ये तो वही बात हो गई वो जो प्रिंस बिस्किट वालों ने नहीं शुरू किया हुआ। अच्छा भला मोटा चौड़ा बिस्किट होता है, लेकिन जब तुम उसको अंदर से खोलते हो चॉकलेट चाटने के लिए तो बोतल के ढक्कन से छोटी चॉकलेट की टिक्की ठोंसी होती है अंदर। और ऐसे कामों में ना कोकोमो सबका बाप है भाई। ये कोकोमो वाले एड में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ही तुम कोकोमो चुबाओगे ना तो चॉकलेट का सलाब बह जाएगा, लेकिन जब तुम चुबाते हो तो चॉकलेट के कतरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और कुछ में तो कतरे दूर की बात हवाई भरी होती है खाली। ये बंगाली है ना, बांग्लादेश का हीरो आलम, बहुत बहुत वायरल हुआ था इंडिया में भी और कैरी मिनाटी में भी रोस्ट किया था। पता है मुझे ना, इस दुनिया में कदम रखे हुए 19 साल हो गए हैं और जहाँ तक मैंने नोटिस किया ना, 90% अवाम अपनी टुई सिर्फ हगने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ये बंदा स्पेशल है, ये कोई एमवीएमवी बंदा नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसकी पैदाइश के बाद इसके गले में वैक्यूम क्लीनर फिट कराया गया था और यही वजह है कि आज ये बंदा अपने प्रेशर से कुर्सी मेज और खंबे जैसी चीजों को खींचता फिरता है। इसको कहते हैं बांग्लादेशी स्वैग। पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आवाज सुन के ना मुझे डोरेमोन वाले सुनियो की याद आ गई। नाम हमारा हीरो आलम, चालीम दे लगाए मोलों, मार को पकड़ाई, नाक पर दे मकड़ाई। मेरे ख्याल से ये आखिर ने बनाई होगी, आखिर ही ऐसे काम करता है। औरत दो गुंडों के बीच फंस चुकी है। गुंडे बहुत मजबूर थे और बात बात पर चिल्ला रहे थे। फिर उनमें से एक मर्द राबिया के पास पूरी हिम्मत के साथ गया और बोला, तुम्हारी मैं सुननी, मैं जिबा फेरूंगा बेटी। राबिया बहुत डर चुकी थी लेकिन वो दोनों बाज नहीं आए और बोले, मेरी जान निकाल जाती है भाई। अभी इनकी जान बचाने आएगा दवाने नोली। यार सही मिक्स किया है। आलम भाई भाई हीरो आलम, ए एकने की होच्छे? आमी हीरो आलम थकते अमर इलाके तुरा। इसकी आवाज और सेहत देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये दो बंदे ना लड़की का नहीं हीरो आलोम का रेप करने आए। साइज डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग, जितना बड़ा हीरो आलोम है ना उतना बड़ा तो डिल्डो होने इस बंदे के पास। ऊपर है आसमान, ये सही है, ये बात सही है। उधर मुखे अमर छोटे, ऊपर आसमान नीचे मिट्टी तेरी भूती में मेरी जूती। वाह, सबसे पहले तो तालियां बजा दो ना इसके लिए। अब मेरा सुनो, ऊपर आसमान नीचे मिट्टी
जोना नाचा ओदी पहनदी यार मेरे छोटे छोटे बच्चे फिर गाली गाली के अलावा वीडियो बना यार फिर गाली यार गाली ना दे गाली के अलावा वीडियो बना सकते यार साथ फिर गाली गाली के अलावा वीडियो बना यार मेरे छोटे छोटे बच्चे चुप बैठो चुप यार डकी भाई के वीडियो पे ये बहुत बोला जाता है कि आप गाली बहुत देते हो इन कैरी मिनाटी को कोई नहीं बोलता तो यार पता नहीं ये डिफरेंस क्यों है दोनों के कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं पता था लड़ाई करने से पहले अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और इसकी सेहत देखे तो वैसे ही लग रहा है कि साला अपने आप को बड़ी मुश्किल से उठाता होगा साले तेरे ऊपर कोई कागज की गेंद भी फेंक देना तब भी तूने फौत हो जाना कम से कम प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर कपड़े तो पहन ले फाइट सीन के दौरान तेरा गुब्बारा फट के गिर जाएगा तुझे अच्छा लगेगा कर क्या रहे कमरे में बंद कर दिया जाए शर्त ये मरना नहीं चाहिए अबे किसी को सूखी पैंट मारने से किसी की फट के हाथ में नहीं आया थी भाई चलो उसे छोड़ो पैंट तो उसे लगी भी नहीं और कैमरा भी बिल्कुल उस जगह फिट किया जहाँ पे साफ साफ नजर आए कि पैंट उसे लगी नहीं है ऐसे नुन्नु किस्म के प्लेस ना स्कूल के बच्चे करते हैं ऑडिटोरियम में बैठ के अभी बंदा जिप तो बंद कर लेते तू बांग्लादेश का सबसे सेक्सी बंदा है भाई और ये क्या है भाई धोती के नीचे नीली पिंडी को पैंट पहन रखी है मतलब ड्रेस पैंट के नीचे धोती धोती के नीचे ब्लू पैंट ये सब पहनने के बाद भी इसकी टांगे टांगे कम चुटबे के ज्यादा लग रही है ये बंदा कमिटेड है यार अच्छी भली फिल्म चल रही थी पर इस बंदे ने मरने का फैसला ले लिया अबे जिस चीज की एक्साइटमेंट दे दी है शुरू में तो उसे फ्लॉप तो ना करो भाई ये तो वही बात होगी आईफोन 7 बंदा खरीदे और जैसे ही इसको खोले ना तो बीच में से 3GS निकले वो भी 8GB वाला और यकीन मानो 90% आवाम का ना वीडियो की स्टार्टिंग देखने के बाद कुछ ऐसा हाल हुआ उन्हें बहुत डीप था यार बहुत डीप अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप समझ गए हो या तो कोई कीड़ा काट गया इसे या तो खारिश हो रही है इसको या तो किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया तेरे लिए दिल तो है क्या तेरे लिए यार मैंने ना अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया लेकिन ना ये देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आंखें मरने के बाद डोनेट कर दूंगा चलो मरने को छोड़ो अभी ले लो मुझे चाहिए ही नहीं मतलब चुम्मा चाटी करो कोई नहीं रोक रहा लेकिन ऐसे गर्दन में दांत घुसेरने का क्या सीन है भाई जादू जाने मन धक धक यार ये पोजीशन देखने के बाद हमारा एक बार मरना तो बनता है यार एक बार मरना तो बनता है तूने छुआ कुछ को पिया आग लगी सांसों में आज ये दिल बस में नहीं हाँ मेरी बाहों में होता है जो हो जाने दो इसका ये स्टंट देखने के बाद ना ऋतिक रोशन को जूते मार के अगली क्रिश मूवी से निकाल दिया उन्हें और इन दोनों के अंदर ना सेम खूबी है हीरो आलम अपने प्रेशर से कुर्सियां खींचता है और ये मैडम अपने प्रेशर से पूरा पूरा बंदा ही खींच वो गिर गया था स्टंट नहीं किया था जाने दो वो प्रिटेंड कर रहा है कि स्टंट कर रहा है मुझे ऐसा लगा छोड़ो शर्म धक 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 दिल मेरा मरने लगा अभी तेरी तरबूज है नहीं फिर भी तू मिल्क शेक वाला स्टेप कर रहा है और ये जब हीरो आलम तेरे साथ मौजूद है और दूर दूर तक खेतों में कोई और है ही नहीं तो तू दरख्त के साथ की शुरू ही पड़ी है अभी हीरो आलम की इतनी भी कम वैल्यू नहीं है कि भाई तूने उसको छोड़ के दरख्त के साथ ड्राई हम्पिंग शुरू कर दी है कसम से ये सीन देखने के बाद ना मैंने रियलाइज किया कि यहां तक के दरख्त तक मेरे से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं अरे वाह अब दरख के साथ थ्रीसम भी शुरू कर दिया यकीन मानो इस पूरी वीडियो में मैडम ने ये मिल्कशेक वाले स्टेप के अलावा और कोई स्टेप नहीं किया हीरो वालों पे हेट मत देना यार वो अपना काम कर रहे हैं अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं बल्कि कर चुके हैं देखो हर अगली बच्ची इसके पीछे भाग रही है और यहाँ कभी किसी ने नोटिस ही बड़ी मुश्किल से किया उन्हें अच्छा
अच्छा भला फनी कॉमेडियन है भाई ये, नहीं कसम से हीरो आलम अकेला ऐसा बंदा है जिसको देख के ना मुझे यकीन हो जाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकता हूँ, मतलब कुछ भी। यार धक धक तो डकी भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैंने एक और वीडियो गलती से भी मजीद देख ली ना तो भाई मैं आज मर जाऊंगा, अभी से मर जाऊंगा। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट है, बल्कि काफी लेट है। दो हफ्ते से बुखार हुआ था, नींद पूरी नहीं हो रही थी, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, बिप्पियां देख देख के थक चुका था, लेकिन अब I'm back। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,69,69,69 लाइक्स के लिए। और अगर पहले नहीं फेंका हुआ तो सब्सक्राइब बटन पे थूक फेंक दो, और अगर थोड़ी सी थूक बच गई है उसे बेल आइकन पे फेंक दो। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को एक तो साइकिल देंगे और सब्सक्राइब करने वाले के अबू के लिए बाइक देंगे हम। लैंग्वेज मतलब जबान, जबान मतलब बोली, बोली मतलब तकिया कलाम, बात होगी खुल के बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी और लोग होंगे बदनाम, जैसे कि वो जो बात बात में इंग्लिश घुसाते हैं। डू यू ईट गर्ल्स, क्या आप बच्चियां खाते हैं? यू स्नैच माय माउथ टॉक, मेरे मुंह की बात छीन ली, उर्दू और इंग्लिश का सेक्स करवाते हैं ये मेनली। कराची में हर दूसरा टट्टू मूछे रख के बैठा है, ताओ देता है जैसे मौला झटका, ना जायज बेटा है ऐसे बुड्ढे जो बोल के बहाने छत पे बुलाते हैं और अंधेरी रातों में गंजे कबूतर दिखाते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं क्या? लौंडेबाज, इसलिए क्योंकि नहीं आते ये लौंडेबाज। लिंगो मेरी गंदी, रैप पुरानी पहन दी, एक्सटेसी को कैंडी और शरीफों को लैंडी।